मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में चिलचिलाती गर्मी ने परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल समेत प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं। इस दौरान मई में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मई के महीने में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, इस वजह से तीसरे और चौथे सप्ताह में ओले बारिश का दौर भी बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में मौसम का मिलाजुला असर रहेगा। 1 से 4 मई तक तेज गर्मी पड़ेगी, फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसका असर 1-2 दिन तक देखने को मिल सकता है। 10 मई तक पारे में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी। अभी आने वाले 1-2 दिन में टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। आज देखा गया तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आया खरगोन खंडवा वो रीजन में 42 के पास आया, और रीवा में भी 42-43 रेंज में आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये 2-3 दिन में टेम्परेचर यही कंडीशन में रहेगा, थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखेगा। और दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रही है 4th से, मतलब हमारे रीजन में थोड़ा सा उसका असर रहेगा। तो मई 5th, 6th, 7th में मध्य प्रदेश की कुछ कुछ जगहों पर बारिश और थंडरस्टॉर्म दिख रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में मतलब जो बढ़ोतरी रहेगा वही रेंज में रहेगा, शायद थोड़ा गिरावट का भी चांसेस है। और ओवरऑल देखा गया तो मध्य प्रदेश का एक्सटेंडेड रेंज की फोरकास्ट के हिसाब से देखा जाए तो 10 तारीख के बाद ही मध्य प्रदेश के काफी जगहों पे अधिकतम तापमान बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।